ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है, अप्रैल 29, 2023। बाप दादा मधुबन, वर्जन सब शिव बाबा। मुरली का सार है, मीठे बच्चे श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी, इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। बाबा की मत ही श्रेष्ठ मत है, बाकी दूसरों की मत व अपनी मत क्या करती है, गिराती है। द्वापर से लेकर अभी तक हम अपनी मनमत व परमत पर चले और हम गिरते ही आए, इसलिए बाबा को आना पड़ा। हमने बुलाया, हे पतित पावन, हे लिबरेटर आओ, और उसने आकर श्रीमत देना चालू किया, और श्रीमत से ही हम श्री मतलब श्रेष्ठ बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं। बाकी मनमत व परमत से श्राप ही मिलता है। प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन, दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वह याद में रहने की रेस करते हैं, और तीसरी बात, नंबर वन जाने का लक्ष्य रखते हैं। पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ के साथ साथ प्रतिज्ञा, कभी डिले हो जाते तो प्रतिज्ञा कर फिर से मजबूत हो जाना है। दूसरा, याद की रेस में रहना है और नंबर वन लक्ष्य रखना है। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते हैं, जो तकदीर में होगा अच्छा, प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते, अंत तक बाबा के ज्ञान में टिक नहीं सकते। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं कि हम जीव आत्माएं हैं, आत्मा शरीर के अंदर है। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ने, इस दुनिया में है, साकारी दुनिया में तो शरीर के साथ ही होगी। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। कहाँ? मूल वतन में। अपने घर में क्या है? आत्मा को अपना शरीर नहीं है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परम आत्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल नहीं सकते। इंस्ट्रूमेंट है आत्मा का क्या शरीर। शरीर में आने के बाद ही आत्मा बोल सकती है, सुन सकती है, हर कर्म कर सकती है। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। कैसे आए हैं? जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं, हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने, वरना वर्षे के बिना क्यों हम बैठे? क्योंकि ये क्या है? शुद्ध भावना है, शुद्ध आशा है, और उस आशा में सबका कल्याण समाया हुआ है। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्टरी सीखते हैं, है ना, स्कूल कॉलेज में जो होता है यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। यानी यहाँ क्या बात है? राजा बनने की बात है, और वो राजा बनाने के लिए आया है, मगर उनको अपना शरीर नहीं है। निराकार को कहा जाता है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, मतलब उनको अपना शरीर नहीं है। मनुष्य जैसा, या तो कोई प्राणी जैसा, या तो कोई पक्षी जैसा, उसको अपना शरीर नहीं है। वो क्या है? सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, कर्म बंधन से न्यारे है, कर्म के बंधन में आते नहीं, शरीर में वो आते नहीं है। और तीसरी बात, पहली बात जन शरीर में नहीं आते, दूसरी बात उसको अपना शरीर नहीं, दूसरी बात कर्म बंधन में नहीं आते, तीसरी बात साइकिल में भी नहीं आते। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, इसलिए उनको कहा जाता है सर्वोपरि, सर्वोच्च, सबसे उच्च है, ना उनका कोई माता पिता शिक्षक गुरु वो सबका है। इसलिए क्लियरली गीता में भी
ग्यारहवें अध्याय में क्लियरली लिखा है कि मैं अशरीरी हूँ, अव्यक्ति हूँ, अभोक्ता हूँ, बार बार रिपीट किया हुआ। बाबा वही आके हमको बताता है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा के तन से बैठकर हमें समझाते हैं जो निराकार है। परमात्मा ही एक ऐसा है जो कभी भी शरीर नहीं लेता है। बाकी धर्म आत्माएं जो आती है दूसरे के शरीर में बाबा की तरह ही आती है पहले, मगर तुरंत ही पुनर्जन्म में आती है। बाबा कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आता है, उनका जन्म जरूर है। कैसे जन्म है? दूसरे के शरीर में आकर अवतरण के रूप में, पुनर्जन्म नहीं। इसलिए कहते हैं निराकार को कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है, परमात्मा कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेता। जन्म है किसके रूप में याद करते? शिवरात्रि के रूप में या तो शिव जयंती के रूप में, मगर उनका मृत्यु नहीं है, मतलब पुनर्जन्म में वो आता नहीं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? क्योंकि मानते हैं ना कि मनुष्य आत्मा ये 84 लाख जन्म लेती है। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है, आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार के अनुसार ही चलता है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सत्व प्रदान होगा। जन्म बाय जन्म नीचे गिरते हैं तो पहला जन्म तो एकदम फर्स्ट क्लास नया होगा ना, सत्व प्रदान होगा, परंतु 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पहला सत्व प्रदान होगा, लास्ट में छी छी तमो प्रदान होंगे, अंतिम जन्म जो कैसा होगा, नया मध्यम और पुराना, तो पुराना ही होगा, छी छी होगा। 16 कला से फिर 14 कला, फिर 12 कला होती जाएगी, फिर 8 कला, ऑलमोस्ट 9 कला। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित है? सन्यासी को पूछो आगे, पहले मनुष्य के बारे में पूछो फिर परमात्मा के बारे में जानने के लिए। देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती, जन्म तो है उनका। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है ने, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले, क्योंकि मरे तो पुनर्जन्म लेना पड़े। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक ही बार आते बस। किसके तन में? ब्रह्मा के तन में, बाकी पूरे कल्प में कभी आता ही नहीं है। और डायरेक्ट जन्म कैसा है? अवतरण के रूप में, बच्चे के रूप में नहीं है, सर्वोच्च है, उनका कोई माता पिता शिक्षक गुरु नहीं है। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कब सत्व प्रदान से तमो नहीं बनते? यदि वो तमो बनते तो हमें सत्व प्रदान बनाए कौन? आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने, उनका ड्यूटी ये है। ड्रामा के सबसे बड़ा ड्यूटी उनका है, पूरे के पूरे मनुष्य आत्मा जब पतित बन जाए तो उसमें देवी संस्कारों का चिंचन करना, उनके समान बना देना, ये उनका काम है। इससे सिद्ध होता है क्या? आत्मा ही पतित होती है, परमात्मा कभी पतित नहीं होता, क्योंकि वो पुनर्जन्म में आता ही नहीं। आत्मा पावन आती है फिर माया पतित बना देती, धीरे धीरे जन्म बाय जन्म। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते, है ना, नेगेटिव या तो वेस्ट मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते। अब पावन बाप कहते हैं पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। क्या कहता है? पतित नहीं बनो अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था, ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते, बाबा कभी नहीं दे सकता। माया ही दुख देती है, उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो, उनके बिना जगत जीत बन नहीं सकते।
वो श्रीमत देते हैं। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। मगर ये पता नहीं है कि माया से कभी पॉजिटिव काम होता ही नहीं, धन से अच्छा काम भी होता है। कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया पांच विकारों को कहा जाता है। अगर पांच विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है, छोड़ती नहीं है। कहते हैं ना बाबा मुरलियों में कच्चा खा जाती है, पकाती भी नहीं है, पूरा नेचुरल प्रतिष्ठे हो। सत्युग त्रेता में माया का नशा होता नहीं, वहाँ रावण का बूत बनाकर जलाते नहीं। सत्युग त्रेता में रावण है ही नहीं तो कैसे जलाएंगे। बूत बड़े कड़े दुश्मन का बनाया जाता है ना। दुनिया में भी देखो किसका बूत जलाते, जो उनको अपना दुश्मन समझते हैं उनका। रावण राज शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है, शास्त्र में देह अहंकार की बातें नहीं है कि कैसे होता है, कैसे गिरते हैं। बाबा ही आकर पूरा क्लियर करता है। लिखा हुआ है देवता ये वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश हो जाते हैं। परवश मन के वश मनुष्य परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर, परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, इसलिए उसको श्रीमत कहते हैं। वह है परमत रावण की मत, इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि रावण की जंजीरें है, माया की जंजीरें छोड़ती नहीं। हमारा अनुभव भी देखो, हम जीवन में क्या क्या करते रहते, कितना प्रयत्न करते हैं उनके ऊपर विजय पाने के लिए, तो लंबे समय के बाद विजय मिलती है। बाकी कह देना ईजी है, हम पूरे नियम पर चलते हैं, करना ईजी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। मनुष्य ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है। हम पूरा बताते हैं ना, बाबा ने जो ज्ञान दिया उनके आधार पर। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, पूरा चक्र सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते। शास्त्र में जो दिखाया सत्युग की आयु 4 गुना बता दिए कलयुग से। अब कहते ऐसा नहीं होता, और देवताओं का जो युग है, देवताओं का दिवस है, वो अपने दिवस के 365 दिवस के बराबर एक गिन दिया, इसलिए 1200 साल का अप्रोक्सीमेट गिना जाता है कलयुग को। जो शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है उनको आप 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो 480,000 वर्ष आ जाएंगे, और वही 430,000 वर्ष वही आयुष बताते हैं कलयुग की। तो कहने का मतलब बहुत ही कैलकुलेशन के अनुसार किया गया है, नंबर ऑफ बर्थ वो अंदर समाने के लिए 84 लाख यदि 43 लाख नहीं करेगा तो एवरेज आयुष 50 साल दिखाएगा कैसे, इसलिए बहुत ही दिमाग लगाकर बताया गया है। पर बाबा कहते ऐसा नहीं होता है, इतने वर्ष फिर तो मनुष्य बहुत सॉरी दाय है, इसके पहले देवताओं का राज था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते, इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं कि कितना देवताओं का गायन 33 करोड़ ही गायन है। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक तो पूरा होता है ना। क्राइस्ट के अप्रोक्सीमेट 2000 साल, और वो लिखा हुआ है बाइबल में 3000 साल पहले था भारत में हेवन। भारत भ्रु मतलब पृथ्वी, रत मतलब रतन से भरपूर दुनिया थी, पूरी दुनिया पर स्वर्ग था। इन बातों को कोई जानते नहीं है, मैं जो हूँ जैसा हूँ ये चक्र कैसे फिरता है कोई जान न सके। बाप ही समझाते हैं, यह है गीता। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था तब उनका नाम गीता रखा है। गीता गाई थी, बताई थी, बोला था, लिखी नहीं थी। कोई भी धर्म शास्त्र
धर्म स्थापक ने कभी लिखा नहीं। क्राइस्ट ने जो बाइबल सुनाया हिब्रू लैंग्वेज में था ओरिजिनल, 300 साल के बाद बाइबल लिखा हुआ। इसलिए जो साल बताते वो भी एग्जैक्ट नहीं है, उसके अंदर 2000 समथिंग जो भी बताते एग्जैक्ट नहीं है, काफ़ी आगे पीछे उसमें है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उसका नाम बाइबल रखा है। अब अनादि नाम रखे हुए हैं, अनादि पहले भी वही था, वह रिपीट होते हैं, कोई नया नहीं है, जो अभी होता है वही रिपीट होता है। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते, ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बूढ़ी माताएं जो होती इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको इतना समझ में नहीं आता है। पढ़े लिखे तो बहुत ऑरेटर होते हैं ना, वो इतने नहीं होते हैं, बहुत भोली भाली माताएं होती। बाबा इनको सिर्फ इतना ही कहते हैं, बाप और वर्षे को याद करो, और जितनी उसकी याद इतनी पहुँचती है जितनी याद हम पढ़े लिखे की नहीं पहुँचती है। दिल से बाबा कहते और बाबा हाजिर हो जाता है। ये कमाल है माताओं की, जो पर्टिकुलरली अनपढ़ माता है, गांव वाली माता है, उनकी कमाल है। एजुकेशन आने से आत्माओं में अहंकार आ गया है बहुत ही। बच्चा पैदा हुआ गोया वारिस पैदा हुआ, तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं, 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं, घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे, 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं, है ना? वही वो क्योंकि बड़ा साइकिल है। ये बड़ी गुहिया बातें हैं। बाबा पूछते आगे कब मिले हो, पहले जब जाते थे तो बहनें ट्रेन करके भेजती थी बाबा के पास कि बाबा पूछेंगे कभी मिले हो, तो ऐसा नहीं कहना कि नहीं मिले, पढ़ा कर भेजती थी, बोलना बाबा को 5000 साल पहले मिले थे, वरना बाबा क्या कहेगा कुछ समझा ही नहीं और मत बना गया है। और आजकल ऐसा ही होता है ना, जाते हैं लोग कुछ पता नहीं होता है। तो बाबा पूछते हैं कि कब मिले थे, अभी तो बाबा नहीं आता है इसलिए भेजते हैं, कहते हैं हाँ बाबा, तो क्या जवाब देते हैं, हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे, हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा के बिना बाबा बोल नहीं सकता है। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते क्या, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। ऐसा कोई भी सन्यासी साधु संत विद्वान पंडित कोई भी मौलवी कोई भी प्रिस्ट फादर ऐसा नहीं कह सकता, किसी की ताकत नहीं है। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत नहीं, क्यों, ड्रामा बेअंत है, इसका कभी अंत हो ही नहीं सकता है, इसलिए बाबा कहते हैं बेअंत है। बाप के बनते हैं फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सोतेले कोई मातेले बनते हैं, रियल चिल्ड्रन या तो स्टेप चिल्ड्रन, सगे मतलब रियल, लगे मतलब स्टेप, जो सोतेले मातेले कहते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्के है तो मातेले है, कच्चे है तो सोतेले है। पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है, यदि थोड़ा भी आगे पीछे हुआ, थोड़ा भी अहंकार आया, गया काम से। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पापात्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएगी, एक दिन में नहीं बनेंगे, बनती जाएगी। और बीच में यदि आ गया थोड़ा भी अहंकार तो माया गिरा देगी। आग चीज को पवित्र करती है ना, योग अग्नि आग तुम्हारा तुम्हारी है, योग अग्नि कोई स्थूल अग्नि की बात नहीं है यहाँ। यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है, और बेहद का सेठ है शिव बाबा। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है, 100 साल अप्रोक्सीमेट बाबा कहते हैं 100 साल का है यज्ञ।
पांच सात रोज व एक मास यज्ञ रचते, जितना बड़ा सेठ होगा साहूकार होगा उसी के अनुसार वो यज्ञ रचेगा। क्योंकि यज्ञ में क्या होता है, ब्राह्मणों को बुलाते हैं और हजारों लाखों की संख्या में क्या शालिग्राम बनाते और यज्ञ करते हैं, जिसको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है, 34-35 से लेकर 23 ऑलमोस्ट 88 ईयर्स। बाबा बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा ही नहीं। देखा बाबा जी कहते आएगा ही नहीं। भगवान वाच, मुझ बाप को याद करो, दूसरा कोई ऐसा नहीं कह सकते। भगवान वाच, जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ने। बाबा कहते गीता में भी लिखा हुआ है, खोल कर पढ़ो। बाप कहते अब तुमको वापिस जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। समझते हैं क्या है क्या नहीं, हमें अपना एनालिसिस करना है, देखना है, चेक करना है कि कहाँ तक पावन बने हैं। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे, दूसरा कोई योग के सिवाय रास्ता ही नहीं है। और योग किसको कहा जाता है, साइलेंस में चले जाना ही योग को कहा जाता है, आवाज में आना योग को नहीं कहा जाता है। बाप कहते ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। ये साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए हैं, कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, कोई भी अंतर ना है याद में। तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है क्या कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं ने, यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। दुनिया की बात नहीं है, वहाँ मेल फीमेल की बात है, यहाँ आत्मा परमात्मा की बात है। शादी में एक दो पर बलिहार जाते हैं ने, अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। अभी तक यही किया, 83 जन्म तक मनुष्य पर बलिहार गए और गिरते ही गए, गिरते ही गए। अभी बाबा कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना, नया जन्म मिला, ब्राह्मण जन्म, ज्ञान से जन्म हुआ, तो अभी खबरदार रहना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे। हमने बाबा को जब बुलाया तो यही प्रतिज्ञा की थी, आप जब आएंगे तो हम वारी जाएंगे, गाते भी है मंदिर में जाकर। अब वो कहता है मैं आ गया हूँ तो आ जाओ मैदान में वारी जाओ, आप हमारे पर बलिहार होना। बाप कहते तुम बलिहार जाओ तो एक ही जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा, कितना भारी वर्षा है। अब बाप कहते मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ, सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे यह भूलो मत, बाकी कोई रास्ता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं, बाप परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चिल भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। माया चिल है, चिल क्या करती है, कहीं से भी उड़कर आती है, पंजा मार कर ले जाती है अपने पैर में पकड़ कर पूरा का पूरा शिकार। इसलिए माया भी क्या है, चिल है, इतनी झड़प से आती है पता भी नहीं चलता है। सबकी बात नहीं है, नंबर वार है ने, कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, इतना माया में खो जाते हैं पूरा दिन याद ही नहीं रहता है। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, जब मुरली सुनते हैं यदि ध्यान से सुनेंगे तो, क्योंकि ये तो बैठने की बात है, हम तो घर में बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या करते होंगे लोग, बाबा जाने और बाबा के बच्चे जाने। तो बाबा कहते यहाँ बैठे हैं तो बैठेंगे तो नशा चढ़ेगा, बाकी घूमेंगे फिरेंगे तो नशा नहीं चढ़ेगा। बाबा को क्या कॉन्शियसनेस बदल कर याद करेंगे तो ही परिवर्तन होगा, बाकी नहीं होगा। यहाँ से बाहर निकला और भूला, बाबा की मुरली नहीं सुनो, बाबा के सेंटर पर नहीं जाओ और भूल जाते हैं, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं फिर सारा दिन भूल जाते हैं, है ना। सुबह को जब योग करते हैं फिर मुरली पढ़ते हैं फिर सारा दिन बाबा कहते कुछ नहीं करते, भूल जाते हैं। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल बना हुआ है, बीच बीच में बाबा ने काफ़ी टेक्निक बनाई हुई है, उसको यूज़ करना है। चार पांच वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं,
कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गई। बाबा कह देते, बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है, इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। और क्या आगे क्या होता है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे गिरेंगे तो भी, परंतु पद तो नंबर वार है ने, स्वर्ग में तो आएंगे 33 करोड़ में, कोर्स किया तो आ जाएंगे, मगर नंबर वार है। भल वहाँ सब सुखी रहते फिर भी मर्तबे तो है ने। सत्युग में क्या है, बाबा ने कहा बताया था ना मुरली में, एक ही ड्रेस है सबकी, सब कुछ एक है सत्युग में, एक राज्य है, एक कुटुंब है, एक भाषा है, एक धर्म है, वन वन वन, दूसरा होता ही नहीं जो झगड़ा हो। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा, नहीं बाबा कहते ऐसे नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उसको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा ने दो वर लगाए, पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा, क्यों सोचना, पहले प्रतिज्ञा करनी होती है फिर पुरुषार्थ आता है, पुरुषार्थ करते करते बीच में गलती हो जाती तो फिर से प्रतिज्ञा करनी है। जितनी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे उतना ही प्रैक्टिकल जीवन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। यह घुड़दौड़ है ने, रेस है, सब नंबर वन तो नहीं जाएंगे, यह ह्यूमन रेस है, ये कोई घोड़े की रेस नहीं है। माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है, तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहते हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए है ना, सबकी आत्मा ये कहती है ना, क्योंकि क्या है आजकल शरीर भी दुखी, आसपास सब कुछ दुखी दुख। कहते हैं बाबा के पास जाए, बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है, बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है, किसके लिए, हमारे लिए, दूसरों के लिए नहीं। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ने, तो इसमें भी 8 घंटा रहो ने। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है, सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो। बाबा कोई फिजिकल, कोई मेंटल, कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करना है आत्मा समझकर। बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे, ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो, जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते, सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहते हैं, कहावत है क्या, सवेरे सवेल सुमन सवेल अथन, उसका सिंधी वर्ड है सवेल सुमन सवेल उथन, सवेरे मतलब जल्दी सोना, सवेरे उठना, सवेरे का मतलब पहले क्या है, जल्दी सो जाना शाम को और सवेरे उठना, यह गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। और आजकल हम दुनिया में देख रहे क्या हालत है, अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस, कर्म योगी होने, जितना कर्म योगी बनेंगे तो नींद घटेगी, बाकी नहीं घटेगी। अपने को चेक करना है कहाँ तक बने हैं। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो, 4 घंटा हुआ ना, शिव बाबा को याद करो, बाबा आगे रिलैक्सेशन देते, 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, वह फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है। इसलिए 2 से 5 बजे का समय बाबा हमेशा कहते हैं क्या है, अमृत देना है। कभी कभी आगे पीछे हो जाता है तो पहले उठकर फिर सो जाओ, कहीं मानो 2 बजे 3 बजे नींद खुल गई और फिर डाउट रहता है तो अलार्म रख कर सो, तो 4 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है नींद में कभी कभी, मगर उठना जरूरी, ऑफिशियल टाइम है 4 से 4:45, इसलिए बाबा 4 बजे तक कहते हैं। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं, उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा ही सोई पड़ी है, मनुष्य आत्मा है, प्राणी आत्मा है, सब आत्मा है ऑलमोस्ट। तो क्या होता है,
पाताल में नेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है और नंबर ऑफ थॉट्स भी चलने कम हो जाते हैं ना, क्योंकि सो जाता है इंसान तो क्या होता है, नंबर ऑफ थॉट्स घट जाते हैं, ऑटोमेटिकली आत्मा कॉस्मोस के साथ कनेक्ट हो जाती है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, जिसको वो कॉस्मोस कहते हैं, हम कहते हैं गॉड फादर, बात एक ही है। इसलिए नंबर ऑफ थॉट्स घटते हैं, इसलिए आज क्या होता है, वातावरण के अंदर पॉजिटिविटी होती है, इसलिए जैसे मूल वतन हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है, नहीं उठते तो ट्राई करो। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं, कौन बाबा मतलब दादा। स्थूल काम में आने से माथा भारी हो जाता है ड्यूरिंग द डे, सूक्ष्म सर्विस में रुकावट नहीं होती है, कमाई थोड़ी ही थकाएगी, कमाई में तो क्या होगा, कमाई से तो खुशी होगी ना, तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने में बड़ी कमाई है। अमृत वेला का महत्व हर रोज मुरली में आता है, खास करके किसमें, ये GYDS देखो बाबा मुरली के नीचे, हर रोज सुबह का एक पॉइंट आता है अमृत वेले का। अच्छा, मीठे मीठे सिकलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, सवेरे अमृत बेले उठ, अशरीरी बन, बाप को याद करने का अभ्यास करना है, जितना हो सके अमृत बेले उठो। दिन में टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, कभी भी टाइम रेस्ट, कभी भी रेस्ट कर लो अप डाउन में कहीं भी, मगर अभ्यास जरूर करना है अमृत लेने। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है, कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। दूसरी पॉइंट है, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है, परमत व मनमत पर न चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। आज का वरदान है रूहानी एक्सरसाइज द्वारा, जिस्मानी एक्सरसाइज क्यों करते हैं, अपना शरीर का वेट घटाने के लिए, इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी एक्सरसाइज करो, कौन सी, यहाँ से परम धाम और सतयुग में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, ऑटोमेटिक माया खींच लेगी आपको वापस, आपको आना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब फिर से ले जाओ एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट मतलब बोझ को समाप्त करने वाले, बोझ होता है ना मन के ऊपर बुद्धि के ऊपर, समान और समीप भवो, यदि बोझ कम हो जाएगा हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, लाइट, और लाइट बनेंगे तो बाप समान हल्के बन जाएंगे ना, और बाप के समीप, जितना समान उतना समीप। तो बाबा समझाते हैं रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी है ना, निराकारी मूल वतन, अव्यक्त फरिश्ता सूक्ष्म वतन या तो स्वर्ग, वो भी क्या है, फरिश्ते ही है क्योंकि उसमें देहबान नहीं है, और अभी अभी साकारी इस दुनिया में, अभी अभी विश्व सेवाधारी, सारे विश्व को सकाश देने की सेवा करना, पावर देने की बाबा से लेकर, ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ मतलब वेट समाप्त हो, माशुक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। बाबा क्या है, लाइट स्वरूप है ना, फॉर्म ऑफ लाइट है, तो हमें भी लाइट बनना है, वेट में नहीं रहना है, बोझ में नहीं रहना है, इसलिए बाबा कहते हैं लाइट बनो तब जोड़ी अच्छी बनेगी, यदि माशुक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। दुनिया में भी देखो जो जोड़ी होती है स्पाउस की, एक बहुत ही वेट वाला हो दूसरा विदाउट वेट हो तो अच्छा नहीं लगता, वैसे बाबा कहते हैं यहाँ भी, मगर यहाँ किसकी बात है, वो शरीर की बात नहीं है, आत्मा की बात है, आत्मा वेट मतलब बोझ से क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। रूहानी माशुक आशिकों को कहते हैं, रूहानी माशुक शिव बाबा आशिक आत्माएं कहते समान बनो समीप बनो, बाबा के समान बनेंगे तो समीप रह सकेंगे, वरना माया खींच कर ले जाएगी। स्लोगन है अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मुहूर्त बनना है। जब तक कर्म में नहीं आएगा, बाबा कहते
तब तक खुशबू नहीं फैलेगी। इसलिए बाबा कहते गुण मूर्त बनो मत, फॉर्म ऑफ वर्च्यूज बनो, उसके स्वरूप बन जाओ, एम्बॉडीमेंट बन जाओ, तब सब कुछ हो सकता है। अच्छा, मुरली पूरी होती है, हम एक मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे और पूरा करेंगे। ओम शांति।